पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नमस्कार, मैं हूं नीतिजा और आप देख रहे हैं TS न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। JDU में टिकट पाने को लेकर दावेदारों की लंबी कतार, जाने कितना हजार से अधिक आवेदन पार्टी ने सूचीबद्ध किए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर राज्य में 15 सालों से सत्तारूढ़ JDU में दावेदारों की कतार लंबी है। पार्टी नेताओं ने घटक दलों की सीट से लेकर अपने ही दल के मौजूदा विधायकों तक की सीट पर अपना दावा पार्टी आलाकमान के पास ठोका है। 3000 से अधिक आवेदन पार्टी ने सूचीबद्ध किए हैं। आलम एक अनार सौ बीमार जैसा है। लोजपा करेगी बिहार के लोगों का सपना साकार। 2020 का चुनाव बिहार के विकास की नई कहानी लिखेगा, चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान का स्वागत किया है। पार्टी में उम्मीद जताई है कि वर्ष 2020 के चुनाव बिहार के विकास की नई कहानी लिखेंगे। पार्टी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के विकसित विकास के सपने को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ चुनाव लड़ेगा। भागलपुर, रोशन सिंह बने जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के प्रदेश सह संयोजक। शुभचिंतकों ने दी बधाई। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश भर में लोग चिंतित हैं और इस कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के तहत देश भर में लोग को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लोग का मानना है कि जनसंख्या विस्फोट देश के विकास का बाधा है। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन अपने कार्यों को देश भर में विस्तार पूर्वक करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए संगठन इकाई बनाकर अपनी टीम को मजबूत करने की प्रयास कर रही है, जिसके तहत भागलपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष रोशन सिंह को प्रदेश के सह संयोजक की उम्मीदवारी सौंपी गई है। सनौली, पूर्णिया एवं कुमारी चौक पथ पर आवागमन ठप, इन गांवों से संपर्क भंग। कटिहार, लगातार भारी बारिश होने के कारण महानंदा के जलस्तर में भारी वृद्धि होने की वजह से क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं सनौली पूर्णिया मुख्य पथ के शिवगंज डायवर्सन पर लगभग 4 फीट का पानी बहाव होने की वजह से पथ पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। लोग नाव से आवागमन कर प्रखंड पहुंच रहे हैं। वहीं प्रखंड के कुम्हारी चौक पथ के नरगदा के पास मसालना धार पुल के अप्रोच का मिट्टी कटने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। वहां डायवर्सन होकर भी पानी का बहाव हो रहा है। शुक्रवार को महानंदा कुर्सेल में खतरे के निशान से 1 मीटर 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पहली बार चली मेमू ट्रेन, राइट टाइम पर खुली, यात्रियों के चेहरे पर खुशी। भागलपुर मालदा रेल मंडल के साहिबगंज क्यूल रेलखंड पर शनिवार को पहली बार मेमू पैसेंजर ट्रेन चली। मेमू में सफर कर रहे यात्रियों के चेहरे पर खुशी दिखी। साधारण टिकट लेकर पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। पहले दिन भागलपुर से 300 के करीब यात्रियों ने सफर किया। 6 महीने बाद मेमू इस रेलखंड की पहली ट्रेन बनी। सुबह 9:10 से भागलपुर जंक्शन पर पहुंच गई। 9:59 जैसे ही उद्घोषणा हुई, कोविड स्पेशल के गार्ड साहब, आपका सिग्नल लोअर है, गाड़ी खुलवाइए। इसके साथ ही ट्रेन भागलपुर से खुल गई। यहाँ के लोगों को ब्लॉक तक आने के लिए देने पड़ते हैं 200 रुपए। कटिहार प्रखंड के एक गांव के लोगों को अब भी प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने के लिए 200 रुपए का व्यय करना पड़ता है। आजादी के 7 दशक बाद भी लोग को इस समस्या से निजात नहीं मिली। दरअसल चौकिया पहाड़पुर पंचायत का आधा हिस्सा गंगा नदी के इस पार तो आधा हिस्सा गंगा नदी के उस पार अवस्थित है।
जेडीयू मुख्यालय में सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने दिया ये बड़ा बयान। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को जेडीयू मुख्यालय में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम नीतीश से मुलाकात करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं यहां सबको शुक्रिया अदा करने आया था। जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। पूर्व डीजीपी ने आगे कहा कि आज की मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, मेरी और सीएम नीतीश के बीच कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। बिहार में 1457 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या 1,77,355 हुई। बिहार में 1457 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,77,355 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 255 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। महागठबंधन को सीट बंटवाने में देरी से नुकसान होगा, शिवनंद तिवारी बोले गठबंधन राजनीति के लिए यह ठीक नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव कराने को आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी दल में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवनंद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी करने से नुकसान होगा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा उद्योग धंधों की बदहाली पर क्यों नहीं करती बात बिहार सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में उद्योग धंधे को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 सालों में बिहार काफी पीछे चला गया है। शनिवार को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार में बिहार 26वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और उद्योग लगाने में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तेजस्वी ने कहा कि उदारीकरण के बाद 15 सालों से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार इन आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करती।